हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियोस में आधारिक खाद्य वर्ग टॉपिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर बताए थे। अब मैं आधारिक खाद्य वर्ग पार्ट 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुने और याद भी करें। आधारिक खाद्य वर्ग पार्ट 3, बेसिक फूड ग्रुप्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिक फूड ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 51, शरीर में प्रोटीन का किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 52, प्रोटीन किससे निर्मित होता है? प्रोटीन किससे किससे निर्मित होता है और कितने परसेंट होते हैं उसमें, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। कार्बन 50%, ऑक्सीजन 23%, हाइड्रोजन 7%, नाइट्रोजन 16%, फॉस्फोरस 4%, सल्फर 3%। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोटीन कार्बनिक है या अकार्बनिक यौगिक? तो हमें ये पता करना पड़ता है कि प्रोटीन कार्बनिक है या अकार्बनिक यौगिक, तो उसको बताने के लिए उसका आंसर होगा कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 54, कार्बोहाइड्रेट किससे निर्मित होता है? अब कार्बोहाइड्रेट किससे किससे निर्मित होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में ये टूटता है। तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 55, वसा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? अब वसा में कौन से तत्व पाए जाते हैं उसका उत्तर होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C, H और O। क्वेश्चन नंबर 56, एक वयस्क व्यक्ति को कितनी वसा की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा 20% से 30% तक। क्वेश्चन नंबर 57, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर के ताप को कौन बाहर नहीं जाने देता है? शरीर के ताप को वसा बाहर नहीं जाने देता है। क्वेश्चन नंबर 59, कोलेस्ट्रॉल को और क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल का और एक नाम होता है जिसे हम पित्त सांद्रों के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वसा के प्रकार कौन से हैं? वसा के प्रकार असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा और एक वसा और होती है जिसको हम ट्रांसफैट भी कहते हैं। ट्रांसफैट जैसे कि बिस्किट वगैरह जो बाजार में आजकल जो भी चीजें मिल रही हैं वो ट्रांसफैट से मिलकर बनी होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, असंतृप्त वसा में कौन सा बंध होता है? असंतृप्त वसा में द्विबंध और त्रिबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 62, संतृप्त वसा में कौन सा बंध होता है? संतृप्त वसा में एकल बंध होता है। इसका उत्तर होगा एकल बंध। क्वेश्चन नंबर 63, म्यूफा का विस्तृत नाम क्या है? MUFA, इसको कहते हैं म्यूफा का विस्तृत नाम क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 64, म्यूफा PUFA का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 65, LDL का पूरा नाम क्या है? LDL का पूरा नाम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 66, HDL का पूरा नाम क्या है? HDL का पूरा नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
क्वेश्चन नंबर 67, मनुष्य में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो मनुष्य में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, HDL। क्वेश्चन नंबर 68, अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? अच्छा कोलेस्ट्रॉल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 69, हृदय में अवरोध किसके द्वारा होता है? हृदय में जो ब्लॉकेज हो जाती है जिससे हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, तो वो किससे होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अगर शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो हमारी धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो हृदय में अवरोध किसके द्वारा होता है? हृदय में अधिक कोलेस्ट्रॉल के द्वारा अवरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 70, शरीर में डीएनए तथा आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? शरीर में डीएनए तथा आरएनए का संश्लेषण जिंक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 71, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? अगर हम हीमोग्लोबिन को तोड़ के देखते हैं तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला जिसे हम हेमो कहते हैं और दूसरा ग्लोबिन। तो पहला पार्ट जो होता है वो उसमें लोहा होता है, वो लोहा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। तो हम इसका उत्तर कहते हैं क्या हो सकता है? हीमो प्लस ग्लोबिन, हीमो लोहा प्लस प्रोटीन, इनको मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 72, अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 73, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड का संचय। क्वेश्चन नंबर 74, विटामिन जो प्रकाश तथा क्षार द्वारा नष्ट हो जाती है उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर है विटामिन B12। विटामिन B12 प्रकाश तथा क्षार की उपस्थिति में नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है किसमें? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो बकरी के दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसमें हमें जनरली कंफ्यूजन रहता है कि माँ के दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है या बकरी के दूध में ज्यादा होता है, तो उसका उत्तर होगा बकरी के दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 76, स्तनधारी के दूध में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।